गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैंडल द क्लास सेवंथ। हाँ, चैप्टर नेम इज द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वेजिटेशन आप समझती हैं, जो भी हमारे यहाँ इस अर्थ के ऊपर पेड़ पौधे हैं, जो भी फसलें हैं, दैट आर कॉल्ड द वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन। तो ये क्लास सिक्स सब्जेक्ट SST पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का चैप्टर सिक्स का समरी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज अंडर डिस्टर्ब्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ईजी दूसरी वे में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट। देखो, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का जो हम रेफर जो कर रहे हो, प्लांट कम्युनिटी में होता है, यानी नेचुरल वेजिटेशन प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है, प्लांटों के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, पौधों के रूप में हम पढ़ेंगे। विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प, ये अपने आप उगते हैं किसी भी व्यक्ति की हेल्प के बगैर। एंड हैज़ बीन कैप्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये काफ़ी लंबे समय से अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी अपने आप ही बड़े होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सब जगह समान रूप से एक जैसे हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, ये रेन वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटोर के साथ में होते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और मानसून, जहाँ पे मानसून बारिश ज़्यादा होती है, ये फॉरेस्ट हैं, इनमें पौधे अपने आप उगते हैं, किसी मानव की हेल्प, ह्यूमन की हेल्प नहीं होती है। द टेम्परेचर इन एन एरिया डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ दैट रीजन एंड टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन दैट रीजन। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर वो काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे उनकी हाइटें खूब होती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इनको इफेक्ट करता है प्राकृतिक रूप से। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन आल्सो डिपेंड ऑन मॉइस्चर, यानी इनकी ग्रोथ मॉइस्चर, नमी के ऊपर डिपेंड करती है, स्लोप ढाल के अनुसार, एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, और मिट्टी की मोटाई के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर वेजिटेशन इन डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इन फैक्टरों के कारण वेजिटेशन, वनस्पति को तीन भागों में बांटा गया है। उनके नेम है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सर्व्स। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ग्रासलैंड घासों के मैदान, सर्व्स और झाड़ियाँ। अब देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉरेस्ट। दे ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, यानी दे ग्रो, जहाँ पे ये उगते हैं वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा होता है। बी ग्रासलैंड, अब देखो ग्रासलैंड क्या है, घास के मैदान। दे ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, यानी ये जहाँ पे, यानी समतल मैदान मिलते हैं, बट पहाड़ों के बीच मिलते हैं, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रासलैंड, घास के मैदान ज़्यादा होते हैं, यानी ये घास के मैदान और वनस्पति को नहीं होने देते हैं पूरी, और जो ग्रास की वो हाइट है, तो ग्रास नेम भी आपके चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो और नाम भी उन ग्रास के अलग अलग हैं, सवाना, स्टेपी, ये ग्रास लैंड है जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पे मिलते हैं। सर्फ झाड़ियाँ, दे ग्रो इन रीजन ऑफ स्केंटी रेनफॉल, सर्फ झाड़ियाँ वहाँ उगती हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो अंडरस्टैंड कि ये थ्री टाइप के हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सर्व। फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ग्रासलैंड जहाँ पे बारिश तो ज़्यादा होती है बट हर हमेशा नहीं होती है।
अक्सर झाड़ियाँ होती हैं और जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो डियर स्टूडेंट, रिटर्न वर्क समरी में यही है, मैं अब इनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉरेस्ट के भी कई टाइप हैं जो आपको सुनने। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये इक्वेटर के नज़दीक मिलती हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसीडीशियस, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका आदि जगह पे मिलते हैं। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। देखो सी टाइप हम बता रहे हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट साउथ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चाइना में मिलते हैं। डी टेम्परेट डेसीडीशियस फॉरेस्ट, यानी ये फॉरेस्ट के टाइप हैं, कि फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप के हैं। ई मेडिटेरियन फॉरेस्ट, चाहे तो आप समरी में नेम लिख सकते हो। फॉरेस्ट के आगे 6 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई, सॉरी 5 पार्ट होते हैं। अब इसके बाद हम आए ग्रासलैंड के ऊपर। तो ये ग्रासलैंड की टाइप है, ग्रासलैंड ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि सवाना के नाम से जानी जाती है। इसमें टाइगर, लिपोर्ड, एलिफेंट, जिराफ, जेबरा आदि एनिमल पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, ये जोन है जो लेटीट्यूड एरिया, मिड लेटीट्यूड में मिलते हैं। यहाँ पे छोटी झाड़ ग्रास होती है, जूसी टाइप होती है। यहाँ पे बफेलो, हॉर्स, एंटीलोप ये पाए जाते हैं। अब सी सर्व की बात करें तो ट्रॉपिकल डेजर्ट रेगिस्तान में मिलते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। देखो उसके बाद बी इसका है टुंड्रा रीजन, या इसमें दो ही रीजन है, एक तो डेजर्ट रीजन है, एक टुंड्रा रीजन। डेजर्ट रीजन गर्म और हॉट होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है। टुंड्रा रीजन में जहाँ पे बर्फ जा रही है, नेम से ही पता है कि यहाँ पे बर्फ काफ़ी मात्रा में होती है। तो यहाँ पे लीची, मोसेज, छोटी छोटी काई वगैरह जैसे पेड़ के घासें मिलती, वो सर्व सी मिलती है, वो भी बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, पोलर बियर ये मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन द समरी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7th। आई एक्सप्लेन द समरी इन ए वेरी गुड वर्ड्स। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, यू कन्वे द मैसेज और माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। वी सेंड द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।